आज की चर्चा का विषय रहेगा व्हाट इज डिटैसलिंग, यानी डिटैसलिंग क्या है। डिटैसलिंग जानने से पहले हमें जानना होगा कि टैसलिंग क्या है, और टैसलिंग के जानने से पहले हमें जानना होगा कि टैसल क्या है। तो मेज़ के मेल पार्ट को हम टैसल कहते हैं और मेल पार्ट के निकलने की प्रक्रिया को हम टैसलिंग कहते हैं, यानी इमर्जिंग ऑफ द टैसल इन द क्रॉप दैट इज कॉल्ड टैसलिंग। अब बात करते हैं हम डिटैसलिंग, यानी डिटैसलिंग क्या है। डिटैसलिंग यानी रिमूवल द इमेच्योर पॉलन प्रोड्यूसिंग टैसल फ्रॉम फीमेल पेरेंट, दैट इज कॉल्ड डिटैसलिंग। इट मीन्स जब हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो सीड प्रोडक्शन में मेल और फीमेल लाइन लगाते हैं, तो जिसको हमें फीमेल पेरेंट एज ए फीमेल पेरेंट यूज करना है उसकी टैसल को हम रिमूव कर देंगे अनमैच्योर कंडीशन में। तो यही कहा गया है परिभाषा में कि रिमूवल द इमेच्योर पॉलन प्रोड्यूसिंग टैसल फ्रॉम फीमेल पेरेंट, दैट इज कॉल्ड टी टैसलिंग। अब इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये इस प्लांट में टैसल है, तो इसको हम एज ए मेल यूज करेंगे, लेकिन जिसको हम फीमेल यूज करेंगे उसकी टैसल को हटा देंगे, और टैसल को हटाने की प्रक्रिया को हम डिटैसलिंग कहते हैं। और डिटैसलिंग हम मेज में करते हैं, यानी अब डिटैसलिंग क्यों करते हैं हम, ये तो पता पड़ गया डिटैसलिंग क्या है, डिटैसलिंग किस फसल में करते हैं, लेकिन डिटैसलिंग क्यों करते हैं। डिटैसलिंग करने का पर्पज होता है सीड प्रोडक्शन, यानी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए हमें डिटैसलिंग करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब हमें हाइब्रिड सीड बनाना होता है तो हाइब्रिड सीड में दो प्लांट होते हैं, एक मेल और फीमेल। लेकिन मेज के केस में ये दोनों नर जननांग दोनों पौधों पर पाए जाते हैं, तो हाइब्रिड सीड हम बना नहीं सकते। तो जिसको हमें फीमेल यूज करना होता है सीड प्रोडक्शन में, उसके टैसल को हम हटा देते हैं, जिसको हटाने की प्रक्रिया को हम डिटैसलिंग कहते हैं। तो डिटैसलिंग क्यों करते हैं, डिटैसलिंग करने का पर्पज है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए हम डिटैसलिंग करते हैं। अब डिटैसलिंग कैसे करते हैं ये आप देखेंगे। इस प्रकार से आप डिटैसलिंग अपनी फसल में कर सकते हैं। प्रिय व्यूअर्स, इसी प्रकार की जानकारी के लिए देखते रहिए एग्री कोचिंग इंडिया।